हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। तो बातचीत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, मैं ये नहीं चाह रहा। नवाज शरीफ की गुगली पर जरदारी का छक्का, मियां साहब चेयरमैन सेनेट के लिए रजा रब्बानी की हिमायत को तैयार, आसिफ जरदारी ने इनकार कर दिया। पीपी उम्मीदवार की हिमायत पर शुक्रिया अदा करके पेशकश मुस्तरद कर दी। मौलाना फजल रहमान ने नून लीग और पीपल्स पार्टी की तजावीज सुन ली, अब अपनी पेश करेंगे। नवाज शरीफ साहब अपने इत्तेहादियों का इजलास बुलाया था, अभी जनाब जरदारी साहब तशरीफ लाए हैं। हमसे कोई अच्छी तजावीज मुरतब हो सकी तो वो अच्छी तजावीज भी हम उनके सामने रख सकेंगे। आने आप 5-7 रोज में इसमें आप बिल्कुल इसको मिसाल जमहूरियत के तहत जो है आप इसको उस स्पिरिट के साथ इसको कंडक्ट करें। वजीर खारिजा ख्वाजा आसिफ ने मिसाल जमहूरियत की बहाली को वक्त की जरूरत करार दे दिया। आज न्यूज के प्रोग्राम फैसला आपका में चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तहत चेयरमैन सेनेट के इंतखाब की तजवीज, ख्वाजा साद रफीक ने चेयरमैन सेनेट के लिए मुश्तरका उम्मीद कोई उम्मीदवार हम लेकर नहीं आए हैं और हमने ये इस्तदा एमकेएम की क्यादत की है कि हम सब मिल बैठें और मिल बैठ के करें कि जमहूरियत के वसीतर मुफाद में और पार्लियामेंट के और पाकिस्तान के लोगों के इंटरेस्ट में क्या है और कौन मौजूद तरीन शख्सियत है जिसे आगे लाया जाए चेयरमैन। नून लीग हॉर्स ट्रेडिंग से नफरत करती है, नवाज शरीफ ने फिर सेनेट इंतखाबात में जमीर फरोशी के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। सियासी जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ का हिकमत अमली बनाने की पेशकश भी कर दी। से तो हम बहुत नफरत करते हैं और ये हमारी पार्टी यानी कि कभी भी अल्लाह ताला हॉर्स ट्रेडिंग में। सुप्रीम कोर्ट की डेडलाइन के 6 माह मुकम्मल होने को आए, शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस निमट नहीं पाए। आला अदलिया ने एहतसाब अदालत को मजीद 2 माह का वक्त दे दिया। मरियम नवाज का ट्विटर पर सख्त रद्द अमल, कहती हैं तौसी से वाजे है कि कुछ नहीं निकला। मैंने कब जबार रहमतों का नाम लिया, मैंने कब अदालत का नाम लिया, मैंने तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो होगा जो 2 नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजायज फायदा उठाता है। बाहर कुछ अंदर कुछ, अदालत के बाहर जलाल बेहाल, अदालत के अंदर बेहाल हो गए। वकालत वाहिद पेशा है, लाइसेंस छिन गया तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। मौतली की बात पर लीगी रहनुमा की रहम की इस्तदा, आपको खुद पर रहम नहीं आता, चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। तौहीन अदालत का नोटिस जारी, पीर तक जवाब जमा कराने की हिदायत कर दी। मैं अपनी जो खबर है आज उससे भी ज्यादा खाएंगे। बहुत देर की मेहरबान आते आते जैनब कत्ल केस में झूठे इंकशाफात पर शाहिद मसूद की मौती मुस्तरद, मामला मुआफी पर खत्म नहीं होगा, अब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। चीफ जस्टिस के निजी टीवी चैनल को नोटिस जारी कर दिया। आज टीवी पर 3 दहशतगर्द हमले हो चुके, लेकिन हुकूमत सिर्फ 1 बस स्टॉप की जगह तब्दील करने को तैयार नहीं। कराची का ग्रीन लाइन बस मंसूबा आज न्यूज के लिए वबाले जान बन गया, सहाफियों की जानों को लाहक, सिक्योरिटी खतरात बढ़ गए। इंतजामिया ने खुदाई के दौरान फाइबर ऑप्टिक केबल भी काट दी। गवर्नर सिंध और वजीर बल्दियात ने मसले के हल की कई बार यकीन दहानी कराई, लेकिन रियासत के चौथे अहम सुतून की हिफाजत की दावेदार हुकूमत ना कर पाई। वैलिड पॉइंट है आपका कि पहले भी एक दफ़ा आज की हेड ऑफिस पे हमला हो चुका है और अब भी
इस तरह की कोई बात आती है, सिक्योरिटी रहती है प्रॉब्लम्स, उसमें मैं बात करूंगा उनसे और कोई भी इजी उसका वे आउट जरूर निकालेंगे। जो मुश्किलात आइडेंटिफाई किए कि मैनेजमेंट ने, ओनर्स ने, उस और जो आपकी हिस्ट्री बताई है आपने उसके हवाले से, तो वी हैव टू एड्रेस दैट, तो इंशाल्लाह वो हल हो जाएगा। अज़हर अब्बानी को ही दोबारा इस ओहदे के लिए नामजद करती है तो उनकी जमात हिमायत करेगी। ताहम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद सहाफी के सवाल पर साफ कह दिया कि वो ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं रखते। नवाज शरीफ ने भी वाजे कर दिया कि अगर पीपल्स पार्टी ने रजा रब्बानी के अलावा किसी भी और को नामजद किया तो फिर नून लीग मुकाबले के लिए तैयार है। रजा रब्बानी नहीं तो फिर कौन, अभी इस बात का फैसला नहीं हो पाया है। दोनों ने अपना अपना चेयरमैन लाने के लिए दीगर जमातों से मुलाकातों और राबितों में मसरूफ हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शफकत महमूद रजा रब्बानी की हिमायत का इंदिया दे चुके हैं। चेयरमैन रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं ये नहीं जा रहा। कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट? सियासी राबते और जोर तोड़ जोरों पर। नवाज शरीफ की जेर सदारत इस्लामाबाद में लीगी रहनुमाओं का मुशावरती इजलास हुआ। नून लीग ने फैसला कर लिया है कि फिलहाल उनकी जमात अपना उम्मीदवार नहीं ला रही। नवाज शरीफ ने बाद में मीडिया से गुफ्तगू में ये कह दिया कि अगर पीपल्स पार्टी चाहे तो रजा रब्बानी मौजू उम्मीदवार है। तो समझते हैं कि जो रजा रब्बानी साहब है वो एक अच्छे चेयरमैन रहे हैं तो हम उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार हैं। तो अगर ऐसी बात नहीं होती तो फिर इंशाल्लाह हम अपना उम्मीदवार लेकर आएंगे। ताहम सरदारी ने तो दो टोक कह दिया है कि वो ऐसा नहीं चाहते। चेयरमैन सेनेट अगर रजा रब्बानी हो तो बातचीत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, मैं ये नहीं चाह रहा। साद रफीक ने पार्टी रहनुमाओं के हमरा एम के एम के दोनों धड़ों से बात की। वो पहले खालिद मकबूल सिद्दीकी के पास पहुंचे। कोई उम्मीदवार हम लेकर नहीं आए हैं और हमने एम के एम की क्यादत से की है कि हम सब मिल बैठें और मिल बैठ के तय करें, और वो लोग जिनको हम रिप्रेजेंट करते हैं उनके लिए सबसे बेहतर चीज़ होगी, हम मिलकर वही आपस में फैसला करेंगे। बाद में साद रफीक ने फारूक सत्तार से भी मुलाकात की। कोई ऐसा पार्लियामेंटेरियन हो जो कि एक कौमी एजेंडे के लिए काम करे। लीगी कयादत, कौमी एजेंडे, पार्लियामेंट की बालादस्ती और कौमी मंशूर को परवान चढ़ाने की बातें कर रही है। हाल में क्या रजा रब्बानी एक बार फिर चेयरमैन सेनेट बन जाएंगे? मगर आसिफ अली जरदारी तो वाजे कर चुके हैं कि चेयरमैन सेनेट अगर रजा रब्बानी हो तो बातचीत हो सकती है। थैंक यू वेरी मच, मैं ये नहीं चाह रहा। सेनेट इंतखाबात के बाद भी हॉर्स ट्रेडिंग की हंगामाराई जारी है। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ ने सेनेट इंतखाबात में हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। मुस्लिम लीग नून हॉर्स ट्रेडिंग की सख्त मुखालिफ है और इस अमल से नफरत करती है। नवाज शरीफ ने सियासी जमातों को हॉर्स ट्रेडिंग के खिलाफ मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की पेशकश भी कर दी। और मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात के बाद आसिफ अली जरदारी पर मीडिया से गुफ्तगू के लिए आए तो वो मौलाना फजलुर रहमान से फासले पर खड़े थे। मीडिया नुमाइंदों के सवाल पर आसिफ अली जरदारी का कहना था कि मौलाना को राम का आसान काम नहीं। नहीं, अभी फासला है। एक घंटे के बाद जूलिया नजर आ रही है। मौलाना साहब हैं तो मजाक। अब आपको बताएं कि वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि चेयरमैन सेनेट का इंतखाब मीसाख़े जमहूरियत के जरिए होना चाहिए। मौजूदा हालात में पार्लियामेंट का मुत्तहिद होना जरूरी है। मरियम नवाज और शहबाज शरीफ के मातहत काम करने के लिए तैयार हूं। वो आज न्यूज के प्रोग्राम में गुफ्तगू कर रहे थे। नवाज शरीफ ने ऑलरेडी ऑफर किया है कि जो ये जो इलेक्शन है आने वाला 5-7 रोज में, इसमें आप बिल्कुल इसको मिसाक़े जमहूरियत की जो है आप इसको उस स्पिरिट के साथ इसको कंडक्ट कर। मरियम नवाज के बारे में क्योंकि बहुत सारे आपके रहनुमा कहते हैं हम उनके अंडर काम नहीं करेंगे,
आप उनके अंडर काम कर सकते हैं? मैं कर सकता हूँ। शहबाज शरीफ साहब के अंडर भी आप काम कर सकते हैं? आप बाय द वे मेरा कोई ग्रुप नहीं है, मैं बिल्कुल शहबाज शरीफ साहब हमारे उम्मीदवार हैं हमारे वज़ीर वज़ारत उज़्मा के, तो मुझे कतई तौर पे कोई तामुल नहीं होगा उनकी वज़ारत उज़्मा को, बल्कि मैं तो सपोर्ट करूँगा उनको। आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट ने शरीफ खानदान के खिलाफ जारी रेफरेंस की मुद्दत में मजीद तौसी कर दी है। अदालत ने शरीफ खानदान के खिलाफ 3 रेफरेंसेस में 2 महीने जबकि इसहाक डार के खिलाफ रेफरेंस में ट्रायल में मजीद 3 महीने की तौसी का हुक्म सुनाया। खानदान के खिलाफ हेवन फील्ड फ्लैट्स, अजीजिया मिल्स, फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट के केसेस की समाअत गुज़िश्ता 6 माह से जारी है जबकि इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों के रेफरेंस में मजीद 3 माह की तौसी की गई है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान साकिब निसार की जानिब से शरीफ खानदान के खिलाफ रेफरेंसेस की समाप्त करने वाले एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की मुद्दत मुलाजमत में तौसी ना करने के मामले का अस खुद नोटिस लेते हुए सेक्रेटरी कानून को फौरी तलब कर लिया गया है। हुकूमत की जानिब से मुद्दत मुलाजमत में तौसी की यकीन दहानी करा दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मार्च से आगाह करने की हिदायत करते हुए कहा कि अगर वजीर कानून ने समरी मंजूर करनी है तो 10 मार्च से कबल ही नोटिफिकेशन जारी करें। नाज़रीन, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की बात करेंगे जिन्होंने दावा किया है कि वो 2018 के माजी का तमाम हिसाब बराबर कर देंगे। उन्होंने इमरान खान को कराची से इलेक्शन लड़ने का चैलेंज भी कर दिया। और हम इंशाल्लाह ताला 2018 के इलेक्शन हमारे सारे शहीदों का खून का हिसाब लेंगे। हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और कराची के लोग इस शहर का रोशनी वापस ले आएंगे। आई थिंक कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं चैलेंज करता हूँ इमरान खान साहब से, आए आप कराची से इलेक्शन लड़े, प्लीज लड़े। मैं चाहता हूँ कि आप आए और कराची से लड़े, मगर कराची के अवाम आपको इबरतनाक शिकस्त दी। Nobody likes a sore loser. और आप इनसे इनके जो अमीर कैंडिडेट्स थे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने गरीब कारकुन खड़े किए हर एक इलेक्शन, अपने नजरियाती कारकुन खड़े किए थे इस इन इलेक्शन में। इतने नजरियाती लोग हमने हमारे कैंडिडेट्स बनाए थे ताकि जब हम दूसरे सियासतदान पर बात करते हैं हम पैसे पर बात नहीं करते, हम नजरिया पर बात करते हैं, हम इन कैंडिडेट्स पर बात करते हैं। सेनेट इंतखाबात पर भी चेयरमैन पीटीआई को तनकीद का निशाना है। ये तो समझ नहीं आती कि इमरान खान साहब जो हैं वो अपनी की हुई बात को किस तरह से जो है वो फरामोश करते हैं। इमरान खान साहब का पिछले 5 साल से ये थीसिस था सियासत में कि जी क्योंकि मैं ऊपर क्लीन हूँ तो नीचे जो है वो गंद मंद इकट्ठा हो रहा है वो सब जो है वो अल्टीमेटली जो है वो पाक हो जाएगा। मैं इमरान खान साहब से सवाल करता हूँ कि आपका ये फॉर्मूला है कि गंद जो है ऊपर होती है वो ऊपर से नीचे को ऊपर साफ होना चाहिए, आप मुझे बताएं कि आप पार्टी में जो करप्शन जो गंद सामने आया है जिस तरह से जमीर फरोशी के में हुई है, ये हम नहीं कह रहे, आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी हुई है, आपकी पार्लियामेंट्री पार्टी जो है वो वहाँ पे बराए फरोख्त थी, आप खुद कह रहे हैं कि आपके लोगों ने 5-5 करोड़ रुपए में अपना जमीर बेचा है, आप बताएं कि ये गंद सारा ऊपर से नीचे आया है। देखे इस बारे में क्योंकि मैं कोई आलम दीन नहीं हूँ, मैं दीन और शरीयत के मतलब कोई खास मैं इल्म रखता हूँ, लेकिन मैं ये नहीं समझता कि इस बारे में मेरी राय रह सकती है। इस बारे में मुफ्तियान का और उलमाए कराम का कल मैंने मीडिया में उनकी गुफ्तगू उनका बयान सुना है, उन्होंने इस चीज़ को गैर शरी करार दिया। उधर इमरान खान ने नून लीग पर एक बार फिर करप्शन का इल्ज़ाम लगा दिया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि मंसूबे की ऑडिट रिपोर्ट में भारी माली खसारे की निशानदही की गई है।
रिपोर्ट में 5 अरब रुपए का नुकसान सामने आया है। रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ कि शहबाज शरीफ की करप्शन और करप्ट तर्ज अमल के बायस रावलपिंडी मेट्रो मनसूबा 5 अरब रुपए का खसारा कर चुका। इस रकम से शौकत खानम जैसा एक बेहतरीन अस्पताल बनाया जा सकता था। तल्ख जुमलों पर निहाल हाशमी फिर मुश्किल में पड़ गए हैं। चीफ जस्टिस आकिब निसार ने दोबारा तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया, क्यों ना आपका वकालतनामा ही मुअत्तल कर दिया जाए। निहाल हाशमी ने कहा, वकालतनामा मुअत्तल होने से उनके बच्चे भूखे मर जाएंगे। अदालत ने रिमार्क्स दिए, आपको खुद पर रहम नहीं आता, ये बर्दाश्त नहीं होगा। तब भी कहा था और आज भी कहता हूँ, हम नहीं डरते। शर्मिंदा वो होगा जो दो नंबर होगा, शर्मिंदा वो होगा जो अपने इख्तियार का नाजा। जबान की लग्जिशों ने निहाल का बुरा हाल कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में निहाल ही ने अदालत केस से मुतालिक समाअत हुई। अदालत में निहाल हाशमी ने मौकफ इख्तियार किया। मैं कलमा पढ़ता हूँ कि बाबा रहमते को नहीं जानता। मैंने मुअज्जिज़ अदालत के खिलाफ कोई बात नहीं की। अगर ऐसा कुछ है तो मुझे बयान की वीडियो और मतन मुहैया किया जाए। वकालत मेरा वाहिद पेशा है। अगर लाइसेंस मुअत्तल हुआ तो मेरा खानदान तबाह हो जाएगा। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आपको खुद पर रहम नहीं आता जो इस तरह की जबान इस्तेमाल करते हैं। तौहीन अदालत पर सजा मुकम्मल करने के बाद फिर मुतनाज़े बयान दिया। आपने बयान में गालियाँ दी।